कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 50,000 पुलिस बल को किया गया तैनात। पाकिस्तान की नापाक हरकत से बीएसएफ का एक कांस्टेबल शहीद, पाक ने सांबा सेक्टर में किया सीज फायर का उल्लंघन, वहीं सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित का है आज जन्मदिन, उनका जन्म 15 मई 1967 को हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक ताजा हाई अलर्ट कर दिल्ली की जनता को सतर्क रहने के लिए कहा, आज फिर आंधी तूफान और बारिश के आसार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव रिजल्ट से पहले कांग्रेस ने फेंका पहला पासा, गुलाम नबी आजाद और अशोक गहलोत को देवगौड़ा से मिलने कर्नाटक भेजा। माकपा नेता सीतारमन येचुरी ने लगाया पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस पर पंचायत चुनाव के दौरान आतंक का माहौल पैदा करने का आरोप। आईपीएल में बैंगलोर के गेंदबाजों ने किया कमाल, पंजाब को 10 विकेट से हरा, प्लेऑफ की उम्मीद रखी बरकरार। वहीं पंजाब की टीम 88 रनों के कुल स्कोर पर हो गई थी ढेर। आरटीआई से खुलासा, नरेंद्र मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर खर्च किए 4,343 करोड़ रुपए। मोदी कैबिनेट में अचानक फेरबदल, पीयूष गोयल नए वित्त मंत्री, स्मृति से सूचना प्रसारण मंत्रालय छीनकर राज्यवर्धन राठौर को दी जिम्मेदारी। मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारे रफल नडाल ने गवाई अपनी शीर्ष रैंकिंग, रॉजर फेडरर बने नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी।